दोस्तों कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो और हम हमारे साधना में परमेश्वर की कृपा से सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की बैलेंस। तो आज की कविता की शीर्षक है बैलेंस और लेखक है श्री तीनकोड़ी पात्रो। लोगों से भरे हुए व्यस्त शहर के बड़ा सा जो रास्ता है उसी के एक मोड़ पे देखा था मैंने कोई एक ज्येष्ठ के अपराह्न बेला में एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ है, कस के बंधा हुआ एक बहुत ही बारीक ताड़ के ऊपर, बहुत सारे डर को अपने सीने में रखकर साहस को डर के साथ बैलेंस के इस खेल में प्रस्तुत होते हुए देखा था मैंने। लड़के को देखकर मन में ही अचानक से एक भूली बिसरी सी याद आ गया, वो याद जो मैं रख के आया था अपने ही बचपन में, वो भी एक शाम का समय था, सावन के बारिश रुकी हुई एक शाम की बात थी। वो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, रास्ता तब बहुत ही फिसलन भरी थी, चारों तरफ पानी ही पानी, सड़क के दोनों पार जंगल से घिरे हुए थे। मेंढक और झिंगुर अपने ही मजे से राग आलाप रहे थे। घुटनों तक तो तब कीचर थी उस रास्ते पे, उस फिसलन वाले रास्ते पे। उस दिन अकेले सर पे एक लालटेन लेकर एक हाथ से कुछ अंधेरे को हटाकर सामने बहुत ही बारीकी से चल रहे थे। लक्ष्य एक ही था, सिंधु के किराने की दुकान से स्लेट पेंसिल खरीदना है इसी रात को, नहीं तो विफल होगा सब, असंपूर्ण रह जाएगा गुरुजी की दिया हुआ होमटा और परिशेष में प्राप्ति होगी सिर्फ और सिर्फ कामना का लज्जा। अचानक से अपने बिसरे हुए यादों से वर्तमान की तरफ सुना कि बहुत सारे लोग ताली पीट रहे हैं, देखे हैं सारे लोग उस लड़के को सफल होते हुए, मुग्ध जनता खुश होकर पैसा फेंक रहे थे उस लड़के के तरफ, उसके ही बिछाया हुए बिछौना के ऊपर। तब शाम ढल गया था, नियन के तीव्र रोशनी से अभी इस शहर में अंधेरा नहीं दिखता है, सब कुछ दिन माफिक लगता है। इसीलिए तो रात भी दिन बन जाता है और शहर के सारे कौवे इस रात को, इस रात वाले दिन को सच मानकर रास्ते पे उतर आते हैं खाने के खोज पर। बहुत देर बाद देखा मैंने घर वापस जाने की जो बस है ना, वो भीड़ से खचाखच भरा हुआ आया है मेरे सामने। खूब सारे डर और खूब सारे चैलेंजेस को साथ में लेकर चढ़ गया मैं बस पर। जैसे चमगादड़ लटकता है ठीक वैसे ही आखिर में पहुंच गया मैं बस स्टॉप में। ज़मीन पे पैर रखकर समझ में आया ये जीवन ही तो है चैलेंज और बैलेंस इन दोनों से गढ़ा हुआ, जिसका शुरुआत हुआ था उस शैशव काल में जब दो पैरों में खड़े होना ही बहुत बड़ी चैलेंज थी। समझ जाना चाहिए यहाँ पर जो जितना नियम निष्ठ है
तीक्ष्ण है, सूक्ष्म है, वो उतना ही ज़्यादा सफल है समाज, संसार और कर्म जीवन में। और वही सबसे ज़्यादा खुश भी है अपने परिवार परिजन को लेकर। तो दोस्तों, आज की बैलेंस यहाँ पर ही ख़त्म होती है। हम फिर मिलेंगे और दूसरे कुछ एक उपस्थापना लेके। तब तक के लिए शुभमस्तु।